असलम पुरकशिश नम्हा यूट्यूब चैनल के तमाम नाजरन को खुश आमदीद उम्मीद करती हूँ आप सभी खेरो आफियत से हों दोस्तों आज आपको टाइमिंग के हवाले से बहुत ज़बरदस्त नुस्खा बताने वाली हूँ तो सबसे पहले हमने यहाँ हवन दस्ता ले लेना है उसके बाद जो चीज़ आपको चाहिए वो है जी अक्कर करा। अकर करा आपको किसी भी पनसारी से सानी के साथ मिल जाती है एक डली अक्करा की इस तरह से आपने ले लेनी है और इसको तोड़कर हवन दस्ते में डाल देना है इस तरह से इसको डाल दें दूसरे नंबर पे लेंगे जी कलवंजी कलवंजी आपने लेनी है ना कोई प्याज के बीज लेने हैं ना कोई और चीज़ बल्कि कलवंजी ही लेनी है पंसारी से आप जाकर जब कलवंजी का कहेंगे तो वो आपको कलवंजी देगा आपने कलवंजी ले आनी है बीस रुपए में ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है एक चम्मच भर के आपने इस कलवंजी का हवन दस्ते में डाल देना है अब इन दोनों चीज़ों को आपने सेम मकदार में लेना है जितनी मकदार आपको हमने यहाँ बताई है अब इसको कूट पीस लेंगे यहाँ तक के बारीक सा इसका सफ़ूफ़ इसका पाउडर तैयार हो जाए जब तक यहाँ मैं इसकी पिसाई करती हूँ इसको कूट पीस कर पाउडर बना लेती हूँ आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ़ौर से पुरकश इसलम्हात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ दोस्तों यहाँ आपके सामने मैंने बड़ी ही बारीकी के साथ इस सफ़ूफ़ को तैयार कर लिया है मिसले सुरमा कर लिया है आप देख सकते हैं किस कदर ये बिल्कुल बारीक हो चुका है आपने इसी तरह से इसको बारीक पीस लेना है अब इसको एक प्याली में निकाल लेंगे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बारीक सा सफ़ूफ तैयार हो गया है लेकिन ये ना सोचिएगा कि ये मिनटों में तैयार हुआ है इसको कूटने पीसने में बहुत देर लगती है बहुत टाइम लगता है और इस तरह से ये बारीक शफ़ूफ तैयार करने के बाद अब हम दूसरे नंबर पे जो चीज़ इसमें शामिल करेंगे वो है जी छोटी मक्खी का खालिस शहद दोस्तों कोशिश करें कि आपको बेरी का शहद कहीं से मिल जाए जो बहुत ही ख़ालस और उम्दा होता है एक चम्मच बड़ा भर के मैंने सफ़ूफ के अंदर डाल दिया है अब इन दोनों चीज़ों को इतना मिक्स करना है इतना इन दोनों की आपस में मिक्सिंग करनी है कि ये गाढ़ा सा एक माजून बन जाए माजून की शक्ल इख्तियार कर ले दोस्तों इस माजून को तैयार करके आपने बवक्ते ज़रूरत इसको थोड़ा सा चाट लेना है और ऊपर से गरम दूध पी लेना है बिल्कुल थोड़ी सी मकदार में आपने खाना है इसको ज़्यादा आपने नहीं खाना ये बहुत ज़्यादा ताकत आवर है बहुत ही ज़्यादा इसमें ताकत पाई जाती है तो आपने इसी तरह से हमारी वीडियो को देखकर इसी तरह से इसी मकदार के साथ आपने इस टोटके को तैयार करना है तभी जाकर इस तरह से आपका ये टोटका ये रेसिपी तैयार होगी आप इसकी थिकनेस को चेक करें किस कदर ये गाढ़ा तैयार हुआ है ये बिल्कुल एक माजून है और बहुत ही ज़्यादा ताकत रखने वाला माजून है इसको आपने ज़रा सा इस्तेमाल करना है मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से उंगली की मदद से आप इसको ज़रा सा लेकर अपनी ज़बान पर चाट लें ऊपर से आप गर्म दूध पी लें बहुत ही ज़्यादा ताकत आवर है दोस्तों इस माजून जून से हो गया क्या इस माजून से आपका टाइम बढ़ेगा टाइम किस तरह से आपका बढ़ेगा जब आप इस माजून को खाएंगे तो आपका मादा मनविया गाढ़ा हो जाएगा मादा मनविया इतना गाढ़ा हो जाएगा कि जम जाएगा मादा की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब मादा आपका फ्रीज हो जाएगा तो दोस्त टाइम आपका बहुत ज़्यादा लगेगा तीस से पैंतीस मिनट आप पहली बार में मुशरत कर पाएंगे पाँच से छः बार मबाशरत करने के बाद भी आपके तनासल में सख्ती तंदी मजबूती कायम रहेगी बहुत ही बेहतरीन बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है दो से तीन आसान चीज़ें जो कि आपके घर में मौजूद हैं उनसे आप इस टोटके को बना सकते हैं और अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं दोस्तों आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो पचास साठ साल से ऊपर भी है तो आप इसको बनाकर खाएं शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते गर्म मिजाज के लोग भी इसका इस्तेमाल ना करें अपने मुस्तनद डॉक्टर या हकीम की राय के बगैर किसी भी टोट के किसी भी नुस्खे को इस्तेमाल ना किया करें अपने मुस्त डॉक्टर या हकीम के मशवरे से ही आप इसको इस्तेमाल करें तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अब मुझे इजाज़त दीजिए मिलती हूँ कल फिर एक ऐसी ही वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़